दोस्तों, भुट्टे का सीजन चल रहा है तो भुट्टे की मज़ेदार रेसिपी बनाना तो बनता है। आज हम बनाएंगे मक्के से बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाएंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो चलिए बनाते हैं मसाला भुट्टा। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखिए 1 किलो भुट्टा लिया है और भुट्टे को अच्छे से हमने छील लिया है और छील के इसे हमने धो लिया है। तो अब इसकी हम करेंगे कटाई। इसे अच्छे से हमें काटना है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो वीडियो पे बने रहना दोस्तों, मैं बहुत ही यूनिक तरीका बताऊंगी और बहुत ही आसान, जिससे आप झटपट से भुट्टा बना के अपने परिवार में सभी को खिला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें इस तरीके से भुट्टे को काटना है जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो बहुत आराम से काटना, क्योंकि मक्का जो होता है ना वो हार्ड होता है, बस इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने सारे भुट्टों को अच्छे से कट कर लिया है, बस हमें इसी तरीके से काटना था। अब हम लेंगे एक कुकर और कुकर में डाल देंगे सारे कटे हुए भुट्टे को। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने सारे भुट्टों को कुकर में डाल दिया है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1.5 गिलास पानी। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं दोस्तों, कम या ज़्यादा। साथ ही 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, तो आप हल्दी ज़रूर डालना। नमक डालेंगे 1 चम्मच भर के, ताकि जब हम भुट्टे को बॉईल करें ना तो इसमें नमक का फ्लेवर आ जाए। कुकर का ढक्कन लगाएंगे। अब कुकर को हम गैस पे रखेंगे, गैस को ऑन करेंगे और फ्लेम हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे भुट्टे को 4 से 5 सीटी आने तक अच्छे से बॉईल करेंगे। तो जब तक हमारा भुट्टा बॉईल हो रहा है, हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 1/2 चम्मच चाट मसाला, साथ ही इसमें हम लेंगे 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आपके पास अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप नमक और लाल मिर्च में भी बना सकते हो, पर ये सारी चीज़ें डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर ऐड करना। साथ ही इसमें हम नमक ले लेंगे 1/2 चम्मच। सारे मसाले हमने 1/2 चम्मच ही लिया है और हमने यहाँ पे 2 नींबू लिया है, इसका हम रस डालेंगे। तो नींबू का जूस हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो भुट्टा है वो बॉईल हो चुका है, हमने इसे 5 सीटी आने तक बॉईल किया है। तो ये आपके भुट्टे पे भी डिपेंड होता है दोस्तों, अगर आपका भुट्टा थोड़ा सा नरम होगा तो वो 3 या 4 सीटी में भी बॉईल हो जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो भुट्टों को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और ये देखिए, हमने सारे भुट्टों को निकाल लिया है। तो भुट्टा तो हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, लेकिन इसे हम और टेस्टी बनाने के लिए इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक पैन लेना है। पैन में डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। आप तेल की जगह बटर भी डाल सकते हैं, जिसका भी फ्लेवर आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे हमने जो भुट्टा बॉईल करके रखा था ना वो, और भुट्टों को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से अलट पलट कर थोड़ा सा सेक लेंगे। इससे क्या होता है ना, भुट्टों में थोड़ा सा क्रिस्पीपन आ जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो अब इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं जो हमने पहले तैयार करके रखा था। तो इन मसालों को आप ज़रूर डालना दोस्तों, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है भुट्टे में। साथ ही हम नींबू का रस डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे लो कर दिया है, लो फ्लेम पे ही हमें ये सारी चीज़ें करनी है। तो दोस्तों, अब भुट्टों को मसालों के साथ अच्छे से 1 से 2 मिनट पका लेंगे, ताकि जो मसाला है ना वो भुट्टे में अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, हमने अलट पलट कर भुट्टों को मसालों के साथ पका लिया है, और देखने से ही पता चल रहा है हमारा जो भुट्टा है ना वो बन के तैयार है। और दोस्तों, देखने से ही पता चल रहा है जो मसाला है ना वो अच्छे से भुट्टे में कोट हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और फटाफट से भुट्टों को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो हमने यहाँ पे देखिए, एक प्लेट में भुट्टों को निकाल लिया है। आप भी इस तरीके से भुट्टा ज़रूर बनाना दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, और इस तरीके से तो आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। तो मेरे इस तरीके से एक बार मसाला भुट्टा आप ज़रूर बनाना।
अगर आपने एक बार मेरे इस तरीके से भुट्टा बना लिया ना, तो आप सारे तरीके भूल जाएंगे। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, क्योंकि मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिलियों में शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब।